गुड मॉर्निंग क्लास, आप फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आपने पिछले साल फोर्थ क्लास पास किया है। कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं होगा हमने कौन सी क्लास पास किया है, क्योंकि वह जुड़े नहीं हैं हमारे साथ में, है ना बेटा। सभी को आपके आसपास में भी मैं आपको कह रही हूँ, जो आपके आसपास भी हैं उनसे भी कहिएगा कि आपका कार्य जो कोर्स है नया वो प्रारंभ हो गया है, आप अपना पासवर्ड वगैरह लेकर जाएँ और अपना कार्य प्रारंभ कर दें, ठीक है। आज से आपका हिंदी पढ़ाया जा रहा है, ये लेक्चर आपका हिंदी का है। और आपकी जो हिंदी की किताब लगी हुई है वह लगी हुई है मणि का, और उसके लेखक जो है वो है देवेंद्र शर्मा जी, मणि का। और एक आपकी व्याकरण लगी हुई है, हिंदी में आपकी दो किताबें लगी हुई हैं। आपका जो भी काम आएगा उसमें ये लिखा हुआ जरूर आएगा कि हिंदी फर्स्ट का है या हिंदी सेकेंड का है। आप सब बच्चे समझदारी से हिंदी फर्स्ट का आएगा तो हिंदी फर्स्ट में करेंगे, और हिंदी सेकंड का आएगा तो हिंदी सेकंड में साफ साफ राइटिंग में काम करेंगे, ठीक। आपका पहला पार्ट हिंदी फर्स्ट में कविता दी हुई है, सुमन ए उपवन के। सुमन सभी बच्चे जानते हैं, सुमन का मतलब है फूल, पर्यायवाची सुमन का क्या है, फूल। इसे पुष्प भी कहते हैं, इसे कुसुम भी कहते हैं। उपवन माने होता है बाग, बगीचा, उद्यान। विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, रंग रूप तो अलग अलग होते ही हैं सभी के। अगर बाग के अंदर एक साथ देखो तो कितने मनमोहक लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, यह सभी जानते हैं। फूल कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं। कवि ने इसमें बहुत अच्छी कविता के अंदर हमारी पहचान बताई है कि हम लोग भी सब एक ही भगवान के द्वारा बनाए गए होंगे, हमारे केवल रंग रूप अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो रक्त है यानी खून है वो एक ही है, वह ना। इसलिए हम लोग मतभेद जो करते हैं अपने आप में से ही करते हैं, ईश्वर के द्वारा हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर ने जो हम सबको सृष्टि का निर्माण किया है वो सबको समानता ही दी है। इस कविता के सुंदर सी कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। मैं आपसे प्रश्न भी कर सकती हूँ कि आपकी कविता के लेखक कौन है, या इस लेखक के द्वारा आपकी किताब में कौन सी कविता छपी है, आपकी किताब कौन सी है, तो आप सभी बच्चे इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब मैं आपकी कविता पे आ रही हूँ, मैं आपको कविता पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, अपना अपना कोर्स ले लीजिएगा, क्योंकि बिना कोर्स के द्वारा पढ़ाई संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं आपका बुक वर्क भेजूँगी तो वो आपको के अंदर ही करना अनिवार्य है। देखिए सुंदर पंक्ति क्या है, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सारे धरती पर रहते हैं तो समझ लो एक फूल की तरह से ही रहते हैं। ये हमारा पूरे जो धरती है वो क्या है, एक बाग है, उसके अंदर हम फूलों की तरह से रहते हैं। एक हमारी धरती सबकी, क्योंकि अभी मैंने बताया हमारी सबकी धरती भी एक सी है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, हमने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है, तो यह सभी की है। इसमें कोई जाके अमर पे नहीं पैदा हुआ, कोई जाके आकाश में नहीं हुआ, सबने इस धरती पर ही जन्म लिया है। मेरी एक सी धूप हमें है, ईश्वर ने मतभेद नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो सूर्य की किरणें आती हैं वह सब पर समानता से पड़ती हैं, यानी एक सी पड़ती हैं, वह धर्म जाति भेदभाव नहीं रखती है। वह ये नहीं कहती मुझे इसके घर जाना है, ये नहीं कहती मैं इसके घर जाऊँगी। वह अपने आप में सुबह सूर्य उदय होता है और सब पर ही अपनी किरणें बिखेर देता है। सींचे गए एक जल से हम, भाई जो हम जल को लेते हैं, पानी को लेते हैं, वह भी तो ईश्वर जो बरसात करता है वो भी तो एक सही है। वो कोई अलग अलग कोई ना करता है कि हाँ जी इसके ऊपर कर रहा हूँ इसके ऊपर नहीं कर रहा, तो हमारे को एक सही जल प्राप्त करता है। पले हुए हैं झूल झूल कर हम इसी धरती पर, इन्हीं पेड़ों की ठंडी ठंडी जो हवा शीतल हवा मिलती है उसी में हम पले बड़े हुए हैं। पल्लों में हम एक पवन के, जब हवा का झोंका आता है, आनंदित हवा का झोंका जो आता है वो मन को बहुत ही लुभा देता है। हम उसी में पले बड़े हुए हैं, जब मानो पेड़ों की डालियां झूलती हैं तो मन ऐसा बाग बाग हो उठता है कि जैसे हम भी उनके साथ में अपना आनंद व्यतीत करते हैं। अच्छा लगता है देखने में कि हाय राम देखो कैसे ये पत्ते हिल रहे हैं, क्योंकि सुखद अनुभव करते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित हो उठता है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब इस बाग की में एक
फूलों की तरह से एक साथ रहते हैं। सूरज एक हमारा जिसकी, सूर्य तो एक ही है, अलग अलग तो नहीं भेद किए हुए सूर्य के, सूर्य सबका एक ही है। किरणें उड़की कली खिलाती, जब उसकी का उदय होता है, उसकी किरणें जो है सूर्य की किरणें फूलों पर पड़ती हैं, तो वह सभी को खिलाती हुई चली जाती हैं। वह ये नहीं करती कि मैं गुलाब पे हूँ, मैं चमेली पे जाऊँगी, मैं जूही पे जाऊँगी, नहीं। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो मानव के ऊपर भी एक से ही पड़ती हैं, अलग अलग दृष्टि नहीं डालती। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लगता है कि हाँ जी दिन प्रारंभ हो गया, आप उठ जाइए, तो इसी प्रकार सूर्य भी हमें सबको एक सा ही प्रकाश देता है। एक हमारा चांद चांदनी, भाई धरती पर भेदभाव किसने किए? मानव ने किए अपने आप। पक्षी तो नहीं करते, पक्षी झुंड बनाकर रहते हैं, पशु नहीं करते, वो भी झुंड बनाकर रहते हैं, लेकिन एक मानव जाति ही है जो आपस में मतभेद करती है। चांद है, चांद अपनी चांदी सब में बिखेरता है, ये नहीं करता कि मैं इसको दे रहा हूँ इसको दे रहा हूँ। चांद क्या करता है, सबके अंदर सबके उसमें चांदनी बिखेरता है, सबको शीतलता प्रदान करता है। जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है। ईश्वर ने स्वर माना होता है जो हमारी जो आवाज़ वाणी है, ठीक है, जो हम बोल बोलते हैं वो सभी को एक से दिए हैं, लेकिन कुछ उनसे अपशब्द बोलते हैं और कुछ उससे शुद्ध शब्द बोलते हैं, कुछ उल्टा बोलते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं। तो वाणी तो भगवान ने सबको एक सी दी है, तो फिर हम ऐसा मतभेद क्यों कर रहे हैं, हम अपने अंदर ऐसी कल्पना क्यों रखते हैं? भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। जो भ्रमर है जब वो गुंजन करते हैं, यानी जब वो बोलते हैं, उनकी आवाज़ देखिए ना, सब जब एक लय में गाते हैं, एक लय में बोलते हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति टिकता नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कि सारी सारी हम उन पर चिपट जाएंगे, क्योंकि उनमें एकता है। एकता जो होती है वो किसी को भी अलग नहीं कर सकती है यदि हम अपने आपस में एक रहेंगे। इस कविता में यही समझाया कि हमें एक रहना चाहिए, भाई हम अपने अंदर मतभेद क्यों रखें, हम लड़ाई झगड़ा क्यों करें? उनकी गुंजन से, हमारे उनकी आवाज़ से जो है हम सारे के सारे डर जाते हैं कि सारी की सारी एक साथ आ गई हैं। अगर हम किसी के ऊपर एक साथ हमला कर देंगे तो बेटा किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हमारे आगे आ जाए। तो इसलिए हमारे को अपने मन के अंदर एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आप को आपस में ना बांटें। रंग रंग के रूप हमारे, हमारे सबके रूप और भंगी तो अलग अलग भगवान जी ने कर दिए होंगे कि भाई किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, लेकिन जो अलग अलग है क्यारी क्यारी, हमें सींचते सब अलग अलग हैं, क्योंकि जन्म हमारा अभी किसी का किसी के घर में होता है, किसी का किसी के घर में होता है, भाई पालन पोषण तो सब अलग अलग ही करते होंगे, क्योंकि गुलाब पर कभी कमल निकलता है, कमल पर कभी गुलाब निकलता आएगा, ऐसा होता है ना। तो सबको एक उद्देश्य दिया हुआ है कि भाई तुम्हारा ये है तो तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये है तो तुम्हारा ये हो गया, अलग अलग नहीं कर रखा है। इस उपवन की शोभा न्यारी, हम एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। केवल हमारे रंगों में और रंग रूप में भेदभाव है, लेकिन हमें इस भगवान ने एक साथ बनाया है, एक सा बनाया है, इसलिए वह हमें एक साथ ही सींचता है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब इसी उपवन में एक साथ रहते हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने, कांटों में जानते हैं ना, फूल जब कांटे पे खिलता है तो देखने में फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन नीचे क्या होती है, चुभन होती है, जब हम उसको तोड़ते हैं तो कांटा चुभ जाता है ना हाथ में, उसी प्रकार कहता है ये कवि। हम सब सुमन एक उपवन के, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। बेटा आज तो हम बहुत हंस के जी रहे हैं, जब हमारा देश गुलाम था तो हमें पता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कितनी यातनाएं सही हैं, वो अपने ऊपर ले गए सारी यातनाएं और हमारे देश को स्वतंत्र कराया, जो आज हम हंस कर जी रहे हैं, उनकी हमें तो सच्चत नमन करना चाहिए, उन महापुरुषों का जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, सारी की सारी जो समय दुखी का समय था वो लेके चले गए, सारे का उन्होंने सहे और हम आज जी रहे हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, और उन्होंने हमें क्या करा, सबको एक सूत्र में बांध दिया, उन्होंने सबको एक साथ रहना सिखाया। उस समय जाति धर्म ये सब कुछ नहीं
सुगंधा, उस समय सब मेल भाव से रहते थे। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। अगर हम सब एक सूत्र में बन जाएं तो जिस तरह से फूलों की माला सुंदर लगती है, उसी प्रकार हम लोग भी सब अच्छे लगने लगेंगे। क्योंकि जिस प्रकार फूल एक साथ हो जाते हैं, वह अपनी महक बिखेरते हैं, उसी प्रकार यदि मानव जाति एक साथ रहेगी, एकजुट रहेगी, तो वह देश का गुणगान करेगी और तरक्की करेगी। हम श्रृंगार, फूलों से श्रृंगार किया जाता है, लेकिन हमारा श्रृंगार क्या है? हमारी आत्मा है। यदि हम इस आत्मा को की शुद्धि रखेंगे, हम अपने बोल अच्छे रखेंगे, तो यही हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। ना कि सजने धजने से हमारा श्रृंगार होता है, हमारे मीठे बोलों से भी हमारा श्रृंगार हो जाता है। हम सब सुमन एक उपवन के, हमारा जो बाग है, हम जो इस बाग में रहते हैं, यह सब एक बगीचे के समान है। इसके अंदर हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। इस कविता का सार आपने समझा होगा, मैं आशा करती हूँ। सभी बच्चे अपनी अपनी कविता को लिखेंगे, 8 पंक्तियों की कविता। मैं आपको काम भेजूँगी बेटा, इसका काम सभी बच्चे अपनी किताब या कॉपी में साफ साफ करेंगे। और मैं ये करती हूँ कि आपको जो मैं काम रोज भेजूँगी, आप उसे साथ के साथ याद भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि याद साथ के साथ करना है बेटा, नहीं तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। थैंक यू बेटा।